अखबार का गोडाउन है या कबाड़ खाना? पता नहीं कौन से पाप किए थे पिछले जन्म में, जो अब यहां पर काम करना पड़ रहा है। ये कुछ काम की लगती है, कम से कम 500 तो मिल ही जाएंगे इसके। अरे ये सब की ये आज हो क्या रहा है? फिर से मैं देखता हूं क्या है, शायद कुछ मिल जाए। किससे पूछूं? ये क्या है? इसमें कुछ हो सकता है। कुछ तो मिल जा। साहब, हाँ बोलो। दो लड़कियां आई हैं, कह रही हैं कि उनकी आज से यहाँ नौकरी लग गई है। हाँ ठीक है, तुम जाओ, मैं उनसे बात करता हूँ। जी साहब। सर, आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे इस दिन का कब से इंतजार था। होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे अखबार इस देश का सबसे बेहतरीन अखबार है, इट्स नंबर वन। आइए, मैं तुम्हें बाकी के स्टाफ से मिलवाता हूँ। एक्सक्यूज मी, ये दोनों लड़कियां आज से आप सबके साथ काम करेगी। यह है दिशा
और क्या नाम बताया आपने? शोभा सर। शोभा, यह है मिस्टर सैम। हाय दिशा, आई एम सैम। इसकी सूरत पर मत जाइए, इसका दिमाग नुकीली छुरी की तरह तेज है और जर्नलिस्ट का दिमाग तेज होना बहुत जरूरी है। और यह है मिस्टर रमेश, यहाँ के सबसे पुराने एम्प्लॉय। नमस्ते। नमस्ते। और यह है मिस्टर सुमित, एक नंबर के आलसी टट्टू, काम से ज्यादा ये लड़कियों में दिलचस्पी रखते हैं। सर ये आप क्या कह रहे हैं, ये दोनों डर जाएंगी। और एनीवेज आई एम सुमित। हाय शोभा, सो कैन वी बी फ्रेंड्स? देखा कितनी जल्दी दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया महाशय। चलिए आप सब अपने अपने काम में लग जाइए। yes, आइए मैं आपको आपकी जगह बता दूं। आइए। एक्सक्यूज मी, क्या नाम बताया आपने? शोभा। शोभा, शोभा ये है आपकी जगह। और दिशा आइए, ये है आपकी जगह। दिशा जी सर, मुझे आपसे बहुत उम्मीदें हैं क्योंकि कई वर्षों के बाद आप जैसी ब्राइट स्टूडेंट हमारे यहाँ हमारे अखबार में आई हैं। एंड आई होप तुम इन उम्मीदों पर खरी उतरो। थैंक यू सर, मैं जी जान से मेहनत करूँगी सर। हाँ शोभा, शोभा आपका रिकॉर्ड ठीक ठीक सा है। अगर आप आगे बढ़ना चाहती है तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी, बिल्कुल दिशा की तरह। शोभा एक काम करो, आप पिछले 15 दिनों के अखबार पढ़ना शुरू करो और देखो पिछले 15 दिनों में इन शहर में कितनी चोरियां हुई हैं। आई वॉन्ट ऑल द रिकॉर्ड। ओके सर, प्लीज स्टार्ट। और दिशा तुम मेरे साथ एक न्यूज रिपोर्ट पर काम करोगे। एक बहुत ही सनसनीखेज न्यूज रिपोर्ट है और अपने अखबार के लिए बेहद जरूरी। मैं तुम्हें इसके सारे डिटेल्स दे देता हूँ और कैन स्टार्ट राइटर। थैंक यू सर, प्लीज डू। ये तो अखबार का गोदाम लगता है। हाउ एक्साइटिंग, देखना चाहिए। पुरानी प्रिंटिंग मशीन, अमेजिंग। ये काम भी करती होगी क्या? Thank you.
उसकी लाइफ को क्या हुआ? ये मशीन तो काम करती है। तो खाली है। दिशा, अरे क्या हुआ? मैं हूं सैम, क्यों चौंक रही हो? नहीं वो बस ऐसे। ये क्या है? कुछ नहीं। देखो दिशा, मुझे लगता है तुम बहुत थक गई हो। यू नीड ए गुड नाइट स्लीप। चलो चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, ठीक है? मुझे भी ऐसा ही लगता है। वैसे भी रात के 2 बज रहे हैं, मेरी शिफ्ट खत्म हो गई है। चलना चाहिए। ओके ग्रेट, लेट्स गो। अभी तक नहीं आई। लगता है अभी तक महारानी उस खास रिपोर्ट पर काम कर रही। देखती हूँ जरा कि ऐसा क्या है उस खास रिपोर्ट में जो उस एडिटर ने मुझे ना देखा उस दिशा को दी। लगता है यही वो फाइल है।
ये पेपर कहाँ गया? कहीं किसी के हाथ तो नहीं लग गया? जागते रहो। ओह, तो ये है वो खबर जिस पर दिशा काम कर रही है। अगर ये खबर छप गई तो दिशा को रातों रात मशहूर होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इस वक्त कौन आया? कहीं किसी ने मुझे अंदर आते तो नहीं देख लिया? शोभा, इतनी रात को तुम यहाँ? कुछ नहीं, थोड़ा काम था। सर ने मुझे कुछ ढूंढने को कहा था। लेकिन तुम इतनी घबराई हुई क्यों? और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये कुछ भी तो नहीं, रद्दी अखबार है, फालतू है। ये दरवाजा किसने बंद किया? पता नहीं, ये फट क्यों नहीं रहा है? शोभा, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? नहीं, सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कोई है नहीं? नहीं शोभा, यहाँ कोई नहीं है। कोई है यहाँ पे? शोभा, तुम ठीक तो हो ना? कल देर रात जागते रहो अखबार की एक नई जर्नलिस्ट शोभा कुमार की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस का मानना है कि उसका खून उसी अखबार में काम करने वाले नवयुवक सुमित ने किया है। अखबार में काम करने वाले कुछ अन्य लोगों ने कहा सुमित और शोभा अखबार के आर्काइव सेक्शन में अकेले गए थे और फिर उसके बाद वहां शोभा की लाश पाई गई। पर सुमित का कहना है कि शोभा को उसने नहीं बल्कि किसी आत्मा ने मारा है। पुलिस ने सुमित को गिरफ्तार कर लिया है। तो तुम्हें यह लगता है कि इस शोभा को किसी आत्मा ने मारा है? देखिए यार, न्यूज़पेपर में भी लिखा है कि शोभा के चेहरे पे घाव पाए गए, अजीब किस्म के घाव। ऐसा घाव जैसे उसके चेहरे पे अल्फाबेट्स या कोई अक्षर। मुझे नहीं लगता कि ये सुमित का काम हो सकता। हाँ हर्ष, मुझे लगता है राघव ठीक ही कह रहा है, कुछ तो गड़बड़ है उस जगह पे। तो फिर चलो इस अखबार के ऑफिस में चलते हैं। ये आत्मा ने भी अजीब जगह ढूंढी अपना डेरा लगाने के लिए, न्यूज़पेपर ऑफिस। ये अखबार पढ़ते पढ़ते उसको बुखार नहीं आ जाता होगा क्या? जब आत्मा मिल जाए ना तो थर्मोमीटर से उसका बुखार चेक कर लेना, ठीक है राघव? राघव, हाँ? तुम इस प्यून से उस आत्मा का राज खुलवाने की कोशिश करो, तब तक हम दोनों अंदर जाके आते हैं। पर हम अंदर जाके बोलेंगे क्या? यही कि हमें एक विज्ञापन देने आए हैं। यार
आपकी हिम्मत की दाद देता हूं मैं। ऐसी खतरनाक जगह पे काम करते हुए डरवर नहीं लगता क्या आपको? डर क्यों लगेगा भाई? आत्मा का आत्मा है ना यहाँ पे। आत्मा? कैसी आत्मा? वही जिसने शोभा को मारा था। अरे उस लड़की की मौत किसी आत्मा से नहीं, बल्कि वो सुमित ने मारा था उसे। सुमित ने मारा था? अच्छा, किसी ने ये मौत होते हुए देखा नहीं? अरे सर, इतनी रात को दफ्तर के उस सुनसान आर्काइव रूम में कोई क्यों जाएगा? आर्काइव रूम? इसीलिए तो सुमित ने वो कमरा चुना था शोभा को मारने के लिए। आप मुझे वहां पे लेके जाएंगे ना, आर्काइव रूम में? नहीं सर, उसमें तो ताला लग गया है। पुलिस आई थी ना उस दिन? पुलिस आई थी? तब तो जाना ही पड़ेगा। क्या कहा? नहीं, वैसे थैंक यू सो मच, आपसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई। ठीक है ठीक है। कुछ पता चला? नहीं ज्यादा तो नहीं, पर यहाँ के आर्काइव रूम में कुछ गड़बड़ जरूर है। तो चलो आज रात चलते हैं आर्काइव रूम। मशीन को क्या हो गया? लाइट्स ऑन कर दो। नहीं, लाइट्स मत ऑन करना, वरना बाहर वालों को पता चल जाएगा कि अंदर कोई है। हर्ष, मुझे लगता है मैं थोड़ी सी लाइट ऑन कर लेनी चाहिए, वरना हमारे कैमरे पे कुछ रिकॉर्ड नहीं होगा। मैं इस टेबल लैंप की लाइट ऑन करता हूँ। यहाँ कुछ नहीं। ये मशीन को क्या हो गया है? कितनी बार कहा कि सर्विसिंग करवा लो सर्विसिंग करवा लो, मगर कोई सुनता ही नहीं। मैंने कभी नहीं सोचा कि एक न्यूज़पेपर ऑफिस इतना डरावना हो सकता है। जहां पर आत्माओं का साया होता है वो जगह डरावनी ही होती है। पर अगर यहाँ वाकई कोई आत्मा है तो कहाँ है वो, और हमारे सामने क्यों नहीं आ रही? हो सकता है कि आती हो, हमें एक जगह रुककर इंतजार करना चाहिए।
मेरा हाथ! ये चीख कैसे? ये किसे किया? यहाँ पे तो कोई भी नहीं। शायद ये उसी आत्मा का काम जिसने शोभा को मारा। अपने अपने कैमरे ऑन करो, शायद वो आत्मा यही थी। यामिनी, तुम्हारे कैमरे में आत्मा रिकॉर्ड हो रही है क्या? नहीं राघव, मेरे कैमरे में कुछ रिकॉर्ड नहीं है। क्या तुम्हारे कैमरे में कुछ रिकॉर्ड हो रहा है? नहीं यार, मेरे कैमरे में भी नहीं है। पता नहीं क्या बिगाड़े थे इन लोगों ने इस आत्मा का, जिस वजह से उस आत्मा ने, शायद वो कोई खूनी आत्मा होगी जो सबको मार रही है। नहीं यार, अगर ऐसी बात होती तो वो आत्मा सुमित को जिंदा क्यों छोड़ती? लगता है कोई और, हमें ऐसे चलना चाहिए वरना ऐसा ना हो जाए कि सुमित के बाद पुलिस हमें पकड़ ले। चलो एक और लाश, ये क्या हो रहा है हमारे ऑफिस में? एक के बाद एक मौत। यह कैसे हो सकता है? यह राज तो 14 साल पहले दफन हो चुका था। मैंने ही तो फोन किया था। यानी उस किसी और का हाथ लग जाए, इससे पहले मुझे फाड़ देना चाहिए। हाँ, इसे फाड़ देना चाहिए। Thank you.
फिर वही पेपर? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? कभी मिलता है, कभी गायब हो जाता है। कहीं कोई मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहा? दिशा, ये लो, साइन कर दो। ये क्या है? हम सब का रेजिग्नेशन। हम सब मिलकर ये ऑफिस छोड़ रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम भी हमारा साथ दो। पर क्यों? क्यों? क्योंकि दिशा, यहाँ पर किसी की भी जान सुरक्षित नहीं है। तुम्हें पता है कल रात और दो खून हो चुके हैं। दो और खून? किसके? एक रोमेश का और दूसरा प्यून का, और उन दोनों के चेहरों पर ठीक वैसे ही निशान थे जैसा शोभा के चेहरे पर। पर उन्हें मारा किसने? जरूर जरूर उसी आत्मा ने मारा होगा जिसके बारे में सुमित बता रहा था। कहीं मौतों का संबंध इस अखबार के साथ तो नहीं? मुझे एडिटर सर से मिलना होगा। तुम दोनों ने उस जैनेटर की लाश को देखा? मरने के बाद उसके चेहरे पर वो अक्षर बनने लग गए थे। हाँ, ठीक वैसे ही अक्षर शोभा के चेहरे पर भी बने थे। अखबार में लिखा हुआ था। राइट। अब इस फुटेज को देखो जो हमने उस रात को रिकॉर्ड की थी। ये क्या? जैनेटर के चेहरे से सारे अक्षर गायब हो गए, सिर्फ खून ही खून। हाँ, उसके चेहरे पर अक्षर तो थे मगर हमारे कैमरे में रिकॉर्ड नहीं है। यानी उन अक्षरों का कुछ ना कुछ संबंध जरूर है इस आत्मा के साथ। शायद इन अक्षरों के जरिए वो आत्मा हमें कुछ बताना चाहती है। हो सकता है, इसलिए हमें जाकर उन लाशों को देखना होगा। इस तरह के अफवाहों के लिए हमारे अखबार में कोई जगह नहीं है। May I come in, sir? Yes, please. हाँ दिशा बोलो। सर, वो मुझे ऑफिस में हो रही मौतों के बारे में। मैं जानता हूँ, बड़े अफसोस की बात है। पर एक्चुअली सर, जिस रात मैंने यहाँ ज्वाइन किया था उस रात मुझे ये खबर। अरे आत्माएं, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है? ये खून कोई आदमी कर रहा है? ये आत्माओं की बातें सिर्फ किताबों में और फिल्मों में ठीक लगती है, समझे? हाँ, तो क्या कह रही थी तुम? हाँ, अब कुछ नहीं सर। ये पेपर कैसे है तुम्हारे हाथ में? दिखाओ जरा, दिखाओ। ये खबर तुम्हें कहां से? मैंने कई सालों पहले ऐसे ही किसी खबर के बारे में सुना था और ढूंढ नहीं पाया था। सर, आप इसे छापेंगे? हाँ, छापेंगे, बिल्कुल छापेंगे। दिशा, यू हैव डन एन एक्सीलेंट जॉब।
शोभा, हर्ष, शोभा। इसके चेहरे पर तो वही अक्षर बने हुए, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये अक्षर तुझे उल्टे नहीं लग रहे? हाँ, ये तो उल्टे हैं। बाकी दो लाश को देखते हैं, शायद उस पर कुछ साफ लिखा। रोमिश, और यहां पर जैनिटर की लाश। जागते रहो। अठारह, जागते रहो। अठारह, अभी भी कैमरा पे कुछ रिकॉर्ड नहीं हो रहा बराबर से। राघव, शोभा के चेहरे पे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया, बस इतना समझ में आया कि उसके चेहरे पे जागते रहो लिखा हुआ है, और 18 नंबर भी। जागते रहो, ठीक। शुक्र है उसके चेहरे पे तुम्हें कुछ तो दिखा, यहाँ पे तो। एक मिनट। राघव, यहाँ पे भी जागते रहो लिखा हुआ है, ये देखो। अरे हाँ यार, देख और कुछ है क्या? हाँ, एक नंबर है, 1996। जागते रहो 18 1996। हर्ष, हाँ, जागते रहो 18 1996। 18 1996, कहीं ये डेट तो नहीं? हो सकता है यार, लेकिन मंथ क्या? शीशा यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। पहला अक्षर कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन दूसरा अक्षर यू है। ऑगस्ट नहीं, यहाँ पर चार अक्षर। चार अक्षर, यानी जून या जुलाई। आखिरी अक्षर बाय, मतलब के जुलाई। 18 जुलाई 1996। अब हमें यह पता करना होगा कि 18 जुलाई 1996 में ऐसा क्या छपा था। चाहते रहो अखबार में। ये खबर नहीं है, लॉटरी है, लॉटरी जो हमेशा हमेशा के लिए मेरी जिंदगी बदल गई। हेलो मिस्टर दीपक, मैं जागते रहो का एडिटर बात कर रहा हूं। हाँ जी, बोलिए। 18 जुलाई 1996। दिमाग की घंटी बजी। 18 जुलाई 1996 को एक खबर छपते छपते रह गई, लेकिन वो आज भी छप सकती है। क्या चाहिए तुम्हें? 5 करोड़ रुपए, वरना। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना, तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। हमारा 14 साल पुराना घिनौना राज एक बार फिर से कब्र से बाहर आ चुका है। अरे ये खबर है या सोने का अंडा देने वाली मुर्गी?
कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? अरे कौन है? अरे दरवाजा खोलो, कौन है? अरे कोई दरवाजा खोलो! वॉचमैन! 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 July 1996. पढ़ो क्या लिखा है। पहले पेज पे तो रेल का बजट लिखा हुआ है। भारत ने इंग्लैंड को 2-0 से हराकर क्रिकेट टेस्ट मैच जीत ली। शायद कोई खास खबर बीच के पन्नों में छपी हो, चेक करो। नहीं, उनके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अखबार का फ्रंट पेज ही हो, और एक के चेहरे पे फोटो जैसे भी कुछ बना हुआ था। इसके फ्रंट पेज पर तो सिर्फ एक ही फोटो है, एक औरत का जिसने एक साथ 5-5 बच्चों का जन्म दिया। फ्रंट पेज के किसी भी आर्टिकल का संबंध मुझे उस आत्मा के साथ नहीं लग रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने उस आर्टिकल को फ्रंट पेज पर छपने से रोक दिया? शायद इसीलिए वो आत्मा अपनी नाराजगी जता रही है, उस आर्टिकल के ना छपने की नाराजगी। ये एडिटर सर भी कहाँ चले जाते हैं? और ये पेपर, ये मेरे पास बार बार क्यों आ जाता है? जब जब ये पेपर मेरे पास आया तब तब किसी का खून हुआ है। यानी एडिटर सर, मैं ये पेपर ही फाड़ देती हूँ। I'm sorry, पर वो तुम लोग कौन हो? हम यहाँ रिसर्च करने आए हैं, एक पुराना अखबार ढूंढ रहे हैं। 18 July 1996। ये मुझे दो ये पेपर। यार लेकिन आर्काइव रूम में जो हमें न्यूज़पेपर मिला था 18 July 1996 वाला, उसमें तो कुछ और ही छपा था। क्योंकि ये खबर कभी छपी ही नहीं, और इसी की वजह से लोग मारे जा रहे हैं। शायद इसीलिए, क्योंकि इस अखबार की सच्चाई दुनिया तक पहुंचाई नहीं गई। तुम्हें ये अखबार कहां से मिला? यही है वो मशीन। इस मशीन को देखकर ऐसा लगता है जैसे बहुत सालों से बंद पड़ी है। छूना मत उसे। नहीं, वो बुलिवा को मत छूना। इसी से निकली थी ये खबर। इसमें एक ऐसे जुर्म के बारे में लिखा हुआ है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। क्या वाकई दीपक, मोहित और सत्येंद्र तीनों ने ये पाप किया है? हाँ, हमने ही किया है। यही है वो तीनों लोग, दीपक, सत्येंद्र और मोहित। ठीक पहचाना। हम कमीनों के चेहरे कुछ ज्यादा मशहूर हो गए हैं। कहाँ है इस अखबार का एडिटर? मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? तो फिर तुमने हम तीनों को पहचाना कैसे?
हाँ हाँ अच्छा अच्छा उस लंगूर ने बताया होगा। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ओ 14 साल पुराना अखबार। ये तुम्हें कहां से मिला? कहां से मिला तुम्हें ये? ये मशीन ने छापी है खबर। इस मशीन को बंद पड़े हुए 14 साल हो गए। इस मशीन से छपने वाली ये आखिरी खबर थी। क्या गलत कर रहे थे हम लोग? लाशों से सिर्फ दवाइयां बना रहे थे। इसके लिए अगर हमने कब्रों से कुछ लाशें निकाल ली तो क्या आफत आ गई? यही खबर छापना चाहता था वो दिनकर। दिनकर? कौन दिनकर? था एक बेवकूफ रिपोर्टर, सच बोलने का कीड़ा काट गया था उसे। ये तो अच्छा हुआ कि रमेश ने हमें ऐन मौके पर बता दिया और हमने उसकी चोंच हमेशा के लिए बंद कर दी। दिनकर साहब वेरी बिग जर्नलिस्ट, लेकिन सच बोलने की बहुत बुरी आदत है इनको। सच बोलना है बोलो। अब मैं देखता हूं ये तोता सच कैसे बोलता है। सतिन इसका मुंह सीधे। सतिन भैया बड़े काम की मशीन थी ये, लेकिन अब इससे खबर नहीं छप सकती। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? दिनकर। लेकिन दिनकर तो मर चुका है। तुम लोगों ने सिर्फ दिनकर को मारा है, उसकी आत्मा को नहीं। दिनकर चलो भागो भागो भागो। दिनकर माफ कर दो मुझे दिनकर। दिनकर जिसने भी इस पेपर में लिखी हुई सच्चाई को खत्म करने की कोशिश की वो मारा गया। ये फट क्यों नहीं रहा है? इसकी आत्मा को मुक्त करने का सिर्फ एक ही तरीका है, इसकी आखिरी इच्छा पूरी कर देते। इन तीनों की घिनौनी सच्चाई अखबार में छापकर
इसे दुनिया के सामने रखते थे। अचानक दिशा ने हमें यहाँ बुलाया, क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? जी, अरे दिशा मैडम आज बहुत खुश हैं। वो आप सबको सरप्राइज देना चाहती हैं। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? ओ, तो ये है सरप्राइज। क्या हुआ हर्ष? ये देखो, कब्र से मुर्दे चुराने वालों का भांडा फूटा। चलो, 14 साल बाद ही सही, पर दिनकर की अधूरी इच्छा पूरी तो हुई। वाकई, अब उसकी आत्मा को शांति मिलेगी और इसका सारा क्रेडिट जाता है दिशा को। हमें जाकर उसे मुबारकबाद देनी चाहिए। चलो चलो। अचानक बिजली को क्या हो गया? एक तो बाहर इतना डरावना मौसम है और ऊपर से यह अंधेरा। केदार जल्दी करो, मोमबत्तियां जलाने में इतना वक्त, तुम्हें तो पता है ना मुझे अंधेरे से कितना डर लगता है। लीना, लीना रुको बेटा, लीना, लीना रुको, रुको बेटा रुको, यहाँ या बेटी, बेटिया मुझे बाहर जाके खेलने दो ना। देखिए, अगर आपके पापा को पता चल गया कि आप रात को बाहर जाने के लिए जिद कर रहे हो तो बहुत गुस्सा करेंगे। मैं दिन भर घर में बैठकर बोर हो जाती हूँ, मुझे बाहर जाने दो ना। जानते हो ना इस वक्त रात को कौन घूमता है? खून पीने वाली आत्माएं। केदार, कितनी बार समझाया तुम्हें कि बच्ची के सामने ऐसी बातें मत किया करो। साहब, साहब वो बच्ची बाहर जाने की जिद कर रही थी, आप तो जानते हैं बाहर कितना खतरा है, वो खून पीने वाली आत्मा है। हाँ साहब, लोगों ने भी देखा है,
और पूरा शहर इस बात को जानता है। ओह शट अप, तुम में से किसी ने देखा है कोई आत्मा को? नहीं। तो फिर बिना देखे कैसे मान सकते हो? गेट अप, दरवाजा खोलो। क्या कह रहे हो साहब? नहीं 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 साहब, क्या पता साहब कौन हो? कहिए। हमें आपसे जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? जी हाँ, जरूरी बात मिस्टर जसवंत। मिस्टर जसवंत, मेरा नाम वंशिका है। मैं आपकी बहन मेघना, आपको अपनी बहन मेघना तो याद होगी ना? मेघना? आप कैसे जानती हैं मेघना? कहाँ है? अब वो इस दुनिया में नहीं रहेगी। बहुत छोटी थी वो जब मुझसे बिछड़ गई थी। यही सोचता था कि एक ना एक दिन वो मुझे जरूर मिलेगी। मिस्टर जसवंत, मेघना तो नहीं रही मगर उसकी बेटियां हैं। क्या मतलब? आपको सुनकर खुशी होगी, ये दोनों मेघना की बेटियां हैं, ये दिया है और ये गुंजन। मतलब आप हमारी दीदी हैं? हाँ बेटा, ये आपकी दीदी हैं। बहुत साल पहले मैं एक आश्रम में काम करती थी। मेघना ने मुझसे वादा लिया था मौत के समय कि मैं उसकी दोनों बेटियों का ख्याल रखूं, और मुझसे ये भी कहा था कि मेरे भाई जसवंत को ढूंढकर इन दोनों बच्चियों को उसे सौंप देना। देखिए, मैंने अपना वादा पूरा किया, अब आप अपना फर्ज पूरा कर लीजिए। अंकल, माँ कहती थी कि तुम्हारे मामा बहुत अच्छे हैं, उनके पास चले जाओ, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। वंशिका जी, पता नहीं मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं। शुक्रिया किस बात का, ये तो मेरा फर्ज था। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। एहसान छोड़िए, बस बच्चों की जिम्मेदारी आपकी। हाँ, मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ रहूंगी, जब तक बच्चियाँ आप लोगों से घुल मिल नहीं जाती तब तक, उसके बाद मैं चली जाऊंगी। आप यहाँ जितने भी दिन रुकना चाहती हैं रुक सकती हैं। आइए। इतनी तूफानी रात में कहां से आ गए लोग? मुझे ये औरत कुछ ठीक नहीं लग रही। नहीं, इसकी बात पे विश्वास कैसे कर लिया साहब ने?
ये क्या कर रहे हैं आप? मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। संभाल के काम नहीं कर सकते? जानते नहीं खून की एक एक बूंद हमारे लिए कितनी कीमती है। मैं पानी पानी भिजवाता हूँ आपके लिए। गुड नाइट। गुड नाइट। दीदी दीदी चलो हम बाहर जाके खेलते हैं। चलो रुक जाओ। इतनी भयानक रात को बच्चे खेलते नहीं, सो जाते हैं। जाओ सो जाओ, जाओ। बहुत बड़ी गलती कर दी है, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। इस जगह पे चारों तरफ खूनी आत्माओं का डर फैला हुआ है। ये कौन है यार? मैं नहीं रुकूंगा। ये क्या पीके गाड़ी चला रहा है? यही वो जगह है जहां के लोगों ने उस आत्मा को खून पीते हुए देखा था। चलो लोगों से पूछ कर देखते हैं। भाई साहब, आपने किसी खून पीने वाली आत्मा के बारे में सुना? जी नहीं सुना। सुनिए, क्या ये बात सच है कि यहाँ खून पीने वाली आत्मा दिखाई दी थी? खून पीने वाली आत्मा? नहीं नहीं, मैंने नहीं देखी। अरे अरे भाई साहब, आपसे एक जरूरी बात पूछनी है। यहाँ पे वो आत्मा 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 के बारे में मत पूछना, बाकी जो पूछना पूछो। मुझे तो बस वही आत्मा के बारे में। अरे सुने तो, कोई इस आत्मा के बारे में बात करने के लिए तैयार ही नहीं, और इस आत्मा के बारे में सुनते ही घबरा जाते। पता नहीं अब उस आत्मा के बारे में कौन बताएगा। मैं बताता हूँ आप लोगों को, मैंने देखा है उस खून पीती आत्मा को। कहाँ देखा था तुमने? कल रात जब मैं अपने घर जा रहा था, मार डालो मुझे, मुझे मार के जाओ, वरना मैं भी खूनी आत्मा बन जाऊंगा। तो तुमने अपनी आंखों से देखा था, उसने अपने आप को मार दिया? कितने बजे की बात है ये? यही कोई रात के लगभग 1 बजे होंगे। कितनी देर लगा दी केदार तुम्हें बाजार में, और ये अंधेरा, कहीं ऐसा ना हो चुड़ैल का साया तेरे सर पर आ जाए। ये कैसी आवाज? लगता है कोई औरत मुसीबत में है। नहीं नहीं नहीं, कुछ और भी हो सकता है। ये जगह वैसे इतनी डरावनी है, कुछ भी हो सकता है। hmm.
कौन है वहाँ? कौन है यार? अरे अरे कुछ बोलता क्यों नहीं? देखो मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही है, तुम जहां कहीं भी हो इधर आ जाओ। कौन हो तुम? अरे तुम रो क्यों रही हो? तुम ठीक तो हो? कोई परेशानी में तो नहीं? साइकिल कहीं कोई खूनी आत्मा किसी को अपना शिकार तो नहीं बना रही? चलो वाकई किसी खूनी आत्मा ने इसका खून पी लिया। ये तो वही आदमी जो सुबह मार्केट में थी। किसने किया ये? किसने किया ये? कहीं भी दिखाई नहीं दे रही वो आत्मा। लगता है खून पी के निकल गई होगी। ये आदमी कहाँ चला गया? कहाँ है?
कहाँ? आज मैं पता है कर करके ही रहूंगी, कहाँ है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? किसने भेजा है तुम्हें यहाँ? किसी ने नहीं, मगर आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये सब मैजिक था? लीना बेटा, क्या हुआ? आप यहां क्या कर रही हैं? मैंने आपसे कहा था ना कि ये पापा का स्टडी रूम है और आपको यहां नहीं आना चाहिए, और आप यहां क्या कर रही हो? शायद आप भूल गई हैं कि ये बात मैंने आपसे भी कही थी। जी नहीं, भूली नहीं। मैं बाहर से गुजर रही थी तो देखा स्टडी का दरवाजा खुला था। मैं अंदर आई तो देखा लीना यहाँ खड़ी थी। क्यों लीना? मुझे लगता है इस बच्ची को यहाँ आकर पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। क्यों लीना बेटा? तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुमसे कहा था ना, मेरा इंतजार गार्डन में करो। हम वही थे, पर अब बहुत देर तक आई नहीं तो हम लीना को ढूंढने गए उसके साथ खेलने के लिए। लीना को छोड़ो, जाओ यहां से, जाओ। अरे भाई साहब, कल आपके यहाँ पे एक आदमी आया था 1 बजे के करीब सब्जी खरीदने के लिए, क्या आप उसे जानते हैं? अरे क्या साहब, कैसी बातें करते हैं, यहाँ तो दिन भर में न जाने कितने लोग आते रहते हैं, अब किसको किसको याद रखेंगे? भाई साहब, उसने एक हल्के भूरे रंग का शर्ट पहना था और वो सांवले से थे और उनके छोटे छोटे बाल थे, और हाँ वो एक साइकिल पे आए थे सब्जी खरीदने के लिए। केदार? अच्छा, आप शायद केदार के बारे में बात कर रही हैं? हाँ हाँ, उन्हीं के बारे में। अरे वो तो जसवंत साहब के यहाँ काम करता है, नौकर है उनका। अब आप 1 घंटा पहले आते हैं तो यहीं पे मिल जाता, यहीं तो था वो। शुक्रिया। तो केदार वाकई में जिंदा है या फिर? केदार जसवंत का नौकर था तो, और वो टैक्सी ड्राइवर किसी को जसवंत के घर छोड़ने गया था तो शायद वो खून पीने वाली आत्मा का संबंध जसवंत के घर से ही। बहुत प्यास लगी है, पानी नहीं। विनीता आंटी, केदार काका, किसी ने पानी नहीं रखा। विनीता आंटी, केदार काका, विनीता आंटी, केदार काका, लगता है सब सो गए, मुझे ही जाना पड़ेगा किचन। विनीता आंटी, विनीता आंटी,
केदार काका, पेनिना आंटी को क्या हुआ? केदार तुम्हें क्या हो गया था? तुम क्या करने जा रहे थे केदार? किसने मारा तुम्हें? केदार बताओ तुम्हें किसने मारा? केदार, केदार अब केदार नहीं है, एक बुरी आत्मा बन चुका है। केदार बोलो, केदार वो आत्मा कौन है? अचानक मेरे सीने में वो दर्द और लीना के हाथ पे वो निशान, ये सब क्या हो रहा है मेरे और मेरी बेटी के साथ? शिखा के आने के बाद ही शुरू हुआ है। पहले तो सब कुछ ठीक था, लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही है, मरते वक्त केदार ने घर की तरफ इशारा क्यों किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे घर में आत्माएं हैं?
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। भला मेरे घर में आत्माओं का क्या काम? अगर मेरे घर में आत्माएं हैं तो पहले क्यों नहीं दिखाई दी? और अब तक हमें नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया? इसके पीछे कोई ना कोई राज जरूर है। शायद दादी इसके बारे में कुछ जानती है। साहेब, दूध लाई हूं लीना के लिए। वो सो रही है देविका। साहेब, वाकई इस घर में आत्माएं रहती हैं? यही सोच सोच कर तो मेरा भी दिमाग फटा जा रहा है। तुम लीना के पास रुको, मैं एक जरूरी फोन करके आता हूं। हमारा शक सही साबित हुआ। उस रात वो बुरी आत्मा का शिकार बनने के बाद केदार खुद एक खूनी आत्मा बन चुका था। इसका मतलब वो आत्मा जिस किसी इंसान का खून पीती है वो इंसान खुद एक आत्मा बन जाता है। और शायद वो टैक्सी ड्राइवर ये सब जानता था, इसीलिए उसने अपने आप को मार दिया। पर ये आत्माएं हैं कैसे, जिनके शरीर भी हैं और जिन्हें छुरा भोंक के मारा भी जा सकता है, और मरने के बाद जिनके शरीर भी गायब हो जाते हैं? खैर, ये आत्मा जैसी भी बहुत भयानक है, और इसका कोई ना कोई संबंध जरूर है जसवंत के साथ। हाँ, इसलिए केदार की आत्मा गायब होने से पहले जसवंत के साथ खड़े हुए लोगों की तरफ इशारा कर रही थी। मानो हमें ये बताना चाहती हो कि वो खूनी आत्मा उन्हीं में से एक है। पर वो कौन हो सकता है? अभी पता चल जाए। चलो फुटेज चेक करते हैं। केदार के अलावा बाकी सब तो ठीक लग रहे हैं। अगर इनमें से कोई आत्मा होती तो वो भी केदार की तरह दिखती। यार मुझे तो पक्का विश्वास है कि ये जसवंत के घर से कोई है, जिसका शरीर तो इंसान का है लेकिन आत्मा खून पीती है। और वो आत्मा हमारे कैमरे में तभी रिकॉर्ड होगी जब वो इंसानी भेष में नहीं बल्कि खून पीने वाले भेष में होगा। बहुत देर लगा दी सर ने, अब तो मुझे डर लगने लगा है। रात पीछे कैसे भी सुबह होते मैं तो अपने घर पे चली जाऊंगी। Let's do it!
क्या हुआ बेटा? ओके 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 पापा आ गए ना? ओके बुरा सपना देखा? रो क्यों रही हैं आप? देविका, देविका क्या हुआ बच्चा? देविका आंटी कहाँ है? हाँ कहाँ है देविका आंटी? देविका ओके साहब, क्या हुआ साहब? क्या हुआ साहब? हे भगवान, देविका को भी मार दिया। मैं इस घर में और नहीं रहूंगा। मैं अपनी बच्ची को लेकर यहां से कहीं दूर चला जाऊंगा। साहब, कौन बेटा? साहब, जब आप ही नहीं रहोगे तो हम लोग यहाँ रह के क्या करेंगे? हम लोग भी निकलते हैं साहब, मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। साहब गाड़ी निकालो। हाँ साहब। केदार के साथ जो कुछ हुआ उसका साफ मतलब है जसवंत कि कोई खून पीने वाली आत्मा अब तुम्हारे घर में है। इसका मतलब मेरा डर सच निकला। पर दादी, मेरे सीने में वो दर्द और लीना के हाथ पे है निशान। वो इसलिए लीना, तुम और मैं, हम सब में वो शक्ति है जो मेघना और तुम्हारे माँ बाप में थी। शक्ति? कैसी शक्ति दादी? खून पीने वाली आत्माओं को नाश करने वाली शक्ति। क्या? हाँ बेटे, हम सब में वो शक्ति है जो खून पीने वाली आत्माओं का नाश कर सकती है। और दादी, आज तक मुझसे किसी ने ये बात? सालों पहले जो तुम्हारे माँ बाप और बहन के साथ हुए, मैं और तुम ही बचे थे इसी परिवार में। मैं नहीं चाहती थी कि तुम अपनी जिंदगी दाव पे लगा दो। पर दिया और गुंजन? वो हमारे रिश्तेदार नहीं हो सकते। ये जरूर उस वंशिका की ही चाल है। पर ये वंशिका है कौन दादी, और ये चाहती क्या है हमसे? पापा, वो वंशिका आंटी है ना पापा, वो कुछ भी कर सकती है, वो मैजिक भी कर सकती है। मैंने अपनी आंखों से देखा है पापा। दादी, कहीं वही बुरी आत्मा तो नहीं है? लेकिन अगर वही बुरी आत्मा है तो फिर उसने मुझे और लीना को आज तक क्यों नहीं मारा? और हमारे घर में क्या ढूंढ रही हो? वो समझने के लिए तुम्हें पता करना होगा कि वो है कौन। पर कैसे दादी? बेटा, तुमने ही तो कहा था कि उसने कुछ कागजात दिए थे दिया और कुंजन के बारे में, और वो अनाथालय। दादी, आप लीना का ख्याल रखिएगा, मैं वंशिका के बारे में पता लगा कर आता हूँ। इस वंशिका को हमारे घर से क्या चाहिए? ये बात पहले मेरी समझ में क्यों नहीं आई? साहब, क्या हुआ साहब? क्या ढूंढ रहे हो? कुछ नहीं, तुम जाओ अपना काम करो, जाओ। जानकर ही रहूंगा कि ये लोग कौन हैं और कहां से आए हैं, जो आते ही मेरी जिंदगी में तूफान मचा दिया।
खेरवाड़ी, तो इसका मतलब ये अनाथ आश्रम खेरवाड़ी में है। वहीं जाकर वंशिका की सच्चाई का पता चलेगा। साहब क्या बात है मदन? साहब ये लोग आपसे मिलने आए हैं। देखिए इस वक्त मैं किसी से बात नहीं करना चाहता, मैं बहुत परेशान हूं। साहब ये कल रात भी गार्डन में थे। जानता हूं क्या काम है मुझसे। हम आपसे आत्माओं के बारे में बात करना चाहते हैं। आत्माओं के बारे में? हमारा मानना है कि इस इलाके में दहशत फैलाने वाली आत्मा आपके घर में रहती है। इस बारे में मैं आप लोगों को कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि मैं खुद हैरान कि आत्माएं मेरे घर में आई कहां से। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आत्मा किसी इंसान के बेस में आपके घर पर रह रही हो? कौन हो सकता है? क्या आपको किसी घर वाले पे शक है? बाकी सब तो ठीक है, मगर वंशिका। वंशिका कौन है ये वंशिका? वो मेरी बहन की बेटियों की केयर टेकर है, खेरवाड़ी के अनाथ आश्रम से आई है। अब वहीं जाकर उसकी सच्चाई का पता चलेगा। यही है खेरवाड़ी। हाँ पीछे हमने खेरवाड़ी का टूटा हुआ बोर्ड देखा था। ये तो कब्रिस्तान है मिस्टर जसवंत। क्या आपके बहन की बेटी और वंशिका यही रहती थी? इससे पहले कि और देर हो जाए हमें यहाँ से जाना चाहिए। चलो वो आवाज सुनी तुम लोगों ने? ध्यान से सुनो। इतनी रात गए कब्रिस्तान में रोने की आवाज, कौन हो सकता है ये? चलो देखते हैं। क्या हुआ दिया? ये सब किसने किया? वंशिका ने। मैं उसका और साथ नहीं देना चाहती थी, मैं आप लोगों को बचाना चाहती थी। उन्होंने मुझे याद छोड़ दिया, खून पी थी आत्माओं के पास। पर वो हमें मारना क्यों चाहती? वो उन आत्माओं को बुलाना चाहती थी जिसे आपके बाबा ने मार दिया था बहुत साल पहले, और वो तब भी वापस आ सकते हैं जब वो आपके परिवार में से किसी का खून पी जाए। वो जो आपके घर में ढूंढ रही है वो है हथियार, और वो शहर के बाहर वो गुफा और लीना। लगता है मेरी बच्ची की जान को खतरा है। दादी आप यहाँ क्या करने आई हैं?
दी, इस बक्से में क्या है? वही जिसे वंशिका तुम्हारे घर में ढूंढ रही है और पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे खानदान में है। दादी ये क्या है? ये वही हथियार है जिससे हम बुरी आत्माओं का नाश कर सकते हैं। दादी दादी बहुत तेज हवा आ रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। कोई बात नहीं, मैं अभी खिड़की बंद कर देती हूँ बेटा। ये कैसी जगह है? आई होप दिया ने हमें सच कहा हो। अगर उसने, अब वक्त आ गया है, अब उसे जिंदा होने से कोई नहीं रोक सकता, उसे जिंदा होना ही पड़ेगा। मेरी बच्ची को छोड़ दो वंशिका, उससे तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आ गए तुम, तुम्हारा ही तो इंतजार था उसे। इंतजार? तुम किसकी बात कर रही हो? इसका मतलब वो तुम हो जो सबका खून पीती है। मुझे तेरा खून मिलेगा, तभी मेरी जान जिंदा होगी। तुम ठीक तो हो ना बेटा? ये मर गई, समझो सारा खेल खत्म हो गया। नहीं, ये खेल अभी तक खत्म नहीं हुआ है।
ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।